The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So क्या आपने recently blood donate किया है? अगर आपने नहीं किया है तो समझिए कि हर रोज हॉस्पिटलों में बहुत सारे लोगों को ब्लड प्लेटलेट्स आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स किसी को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये सारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है. एक्सीडेंट के विक्टिम होते हैं राइट एमरजेंसीज होती हैं ऑपरेशंस होते हैं और ब्लड कई सारी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां रूटीन सर्जरीज राइट कैंसर के पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी कर रहे हैं उनको ज़रूरत पड़ती है. जो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स हैं खून की कमी वाले पेशेंट्स उनको ज़रूरत पड़ती है. जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है कोई किडनी लिवर ट्रांसप्लांट उनको ज़रूरत पड़ती है. जो किसी नॉर्मल सर्जरी में भी ऑपरेशन में भी ज़रूरत पड़ती है. जिनका डिलीवरी हो रही है लेबर हो रहा है उनको ज़रूरत पड़ती है. प्री मेच्योर बेबीज़ या किसको इंजरी ट्रॉमा हो जाए उसको ज़रूरत पड़ती है ब्लड की. सो ब्लड प्रोडक्ट्स आपसे जो आप डोनेट करते हो जो एक हेल्दी डोनर डोनेट करता है वो किसी की जान बचा सकते हैं लाइफ सेविंग हो सकते हैं या लाइफ एनहांसिंग हो सकते हैं. ठीक है और इसमें याद रखिए कि इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है. लोगों की आपकी और पेशेंट की सबकी सेफ्टी देखी जाती है राइट. इसके लिए लाइसेंस जगहों पे ब्लड देना चाहिए. डोनर स्क्रीनिंग होती है यानी आपको कुछ नॉलेजेबल मटेरियल देना चाहिए जिससे बेसिकली आपको थोड़ा नॉलेज हो. आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है कोई आइडेंटिफाइल बीमारी को ऐसी ट्रांसमिटेबल बीमारी जो ब्लड के थ्रू दूसरे को हो जाए राइट. फिर ऐसे ही कुछ लिस्ट बनाए जाते हैं कि हाँ आपको क्या क्या टेस्ट करना है. टेस्टिंग की दिया जाता है आपके ब्लड का टेस्ट होता है जो ब्लड आपका लेते हैं उसका डोनेशन के बाद होता है. डोनेशन के बाद आपका ब्लड लेते हैं हेपेटाइटिस बी टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस सी टेस्ट करते हैं HIV-1 HIV-2 के लिए टेस्ट करते हैं राइट. HTLV-1 HTLV-2 ट्रिपोनोमा पैलेडम सिफिलीज जैसी इन्वेस्ट नाइल बीमारियाँ चागास डिजीज जीका वायरस ऐसी डेंजरस ब्लड बॉर्न डिजीजेस के लिए टेस्टिंग होती है. और कुछ जो जब तक इसकी टेस्टिंग क्लियर नहीं हो जाती उसको अलग से रखा जाता है क्वारंटीन करके. मान लो किसी में निकल गया तो उस ब्लड को दिया ना जाए किसी को. और अगर किसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग डेफिशिएंसी है किसी ऐसे ब्लड डोनेशन प्लांट में जहाँ पर स्टोरेज नहीं हो रही चीज़ नहीं हो रही है तो उसकी रेगुलर चेकिंग भी होती है राइट. और इसके बाद में जो सेफ्टी के लिए याद रखिए प्रोसेस बहुत सिंपल है. आपको सवाल जवाब देने हैं आपका डोनेशन होगा आपके डोनेशन का टेस्ट होगा आपका एलिजिबिलिटी भी देखी जाती है क्या आप एलिजिबल हो. आपको एलिजिबिलिटी के लिए 3-4 स्टेप्स होते हैं भाई साहब. क्या आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए गुड हेल्थ में हो. आपकी पल्स और ब्लड प्रेशर आने चाहिए पल्स और बीपी और नॉर्मल रेंज में आने चाहिए. उसके बाद में आपके टेम्परेचर बुखार नहीं होना चाहिए आपका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए. आपकी मिनिमम एज जो भी आपके देखिए अलग अलग सिटी अलग अलग स्टेट के लॉ के हिसाब से अलग अलग रूल्स हैं. सो मिनिमम एक एज होनी चाहिए उम्र 18-20 साल के ऊपर होनी चाहिए. उसके बाद में ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल चेक होता है अगर आपका कम तो नहीं है कोई इन्फेक्शन है तो वो वाला ब्लड आगे नहीं जाएगा हमने ऑलरेडी देखा राइट. और आपने पिछले 50-56 दिन या 2 महीने के अंदर अंदर ब्लड डोनेट ना किया हो. इतनी जल्दी नहीं करेंगे राइट. और कई सारे रीज़न होते हैं जिसमें आपको टेम्पररीली या परमानेंटली ब्लड डोनेशन नहीं किया दिया जा सकता. वो क्या रीज़न है अगर आप उस दिन बीमार फील कर रहे हो बीमार हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता अगर फील बीमार कर रहे हो तो भी. अगर पहले आपने कभी कोई नीडल्स यूज़ करी है ड्रग्स लेने के लिए जो डॉक्टर ने नहीं प्रिस्क्राइब किए चाहे वो स्टीरॉइड हो चाहे बॉडी बिल्डिंग के हो चाहे रिक्रिएशनल ड्रग हो चाहे नशे वाले कोई चीज़ हो तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते. अगर आपने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करी है
सेक्सुअल कांटेक्ट करा है पिछले 12 महीने में किसी और मेल से, मेल टू मेल होमोसेक्सुअल एक्टिविटी, तो आपको डेफर करके रखा जाता है, टेस्टिंग पहले होती है। अगर आपको कोई टैटू किया हुआ है जो कोई सस्पिशियस जगह से किया है, पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, तो भी कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि आपको लिवर की बीमारी है या कोई भी ऐसी कोई बीमारी है जिसके लिए मेडिकल अटेंशन या दवा ले रहे हो तो आपको डेफर किया जाता है। या फिर अगर कोई ऐसी जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हो, करके आए हो, जहाँ पर मलेरिया या ऐसी कोई फैलने, ब्लड से फैल सकने वाली बीमारियाँ हो, तो आपको साइड कर दिया जाता है कि भैया ऐसा है, पहले आपके होंगे टेस्ट, फिर आपके लेंगे ब्लड, या पहले ब्लड लेके बगल में रख दिया जाएगा, उसके बाद बातचीत करेंगे कि भाई तुमको ज़रूरत है कि नहीं है। ये होती है बेसिक्स ब्लड डोनेशन की। और जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें की जाती है ब्लड से। रेड ब्लड सेल्स अलग, यानी लाल वाले जो रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन लेके जा सकते हैं टिश्यूज़ के लिए, उनको अलग किया जा सकता है, उनको दिया जा सकता है। प्लेटलेट को अलग किया जा सकता है, प्लेटलेट दी जा सकती हैं जब ब्लीडिंग हो रही है। प्लाज्मा, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल, बाकी सारे सेल्स हटा दो तो बचता प्लाज्मा लिक्विड है, वो दिया जा सकता है। अगर मान लो आप कभी जल गए हो, बर्न हो गई है, कोई दिक्कत, कोई लिवर फेलियर, सीवियर इन्फेक्शन, ऐसे केसेस में प्लाज्मा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादातर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में कोई दिक्कत नहीं आती, स्मूथली चले जाते हैं, याद रखिएगा। कुछ टाइम अगर सही तरीके से टेस्टिंग ना हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इन्फेक्शन्स होने के खतरे होते हैं। अगर वो सही जगह पे, मान लो हेपेटाइटिस बी या एचआईवी का टेस्ट नहीं किया और ऐसा ब्लड आपको चढ़ा दिया गया, तो ज़रूर आपको ये सारे रिस्क होते हैं। और कभी कभी ये पॉसिबल होता है कि आपको उससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो ब्लड से जो दिया हुआ है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन हॉस्पिटल में ही होता है और अंडर सुपरविजन होता है। कभी कभी ऐसा भी किया जा सकता है कि आप ही का ब्लड निकाल के आप ही को दे दिया जाए। जी हाँ, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, राइट, ऑटो ट्रांसफ्यूजन। ये ऑपरेशन के टाइम पे ज़्यादातर होता है ड्यूरिंग सर्जरी। तो अगर आपको मान लीजिए अगर मान लीजिए एक दो महीने बाद आपकी ऑपरेशन सर्जरी है, तो ऐसे कर सकते हैं कि आप अपना ब्लड खुद ही ब्लड डोनेट कर दो महीने के अंदर, फिर उसको ही यूज़ कर लो। ऐसा भी किया जा सकता है, दिस कैन बी डन, राइट। सो आपको ब्लड डोनेट करना जा सकता है एक से दो तीन बार सर्जरी से पहले, और फिर ऑपरेशन के टाइम आप ही का ब्लड आप ही को चढ़ा दिया जाए, ऐसा हो सकता है, राइट। सो दिस इज़ पॉसिबल। ये हुई सारी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए ब्लड डोनेशन की। ब्लड डोनेशन से कोई और चीज़ नहीं होती, कोई और ख़तरनाक बीमारी या कोई श्राप नहीं लग जाता, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और बहुत सारे मिथ है ब्लड डोनेशन के। कई लोगों को लगता है ब्लड डोनेशन से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ब्लड डोनेशन से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ब्लड डोनेशन से फलाना ढमकाना, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर ब्लड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, कई बार तो डॉक्टर कहते हैं ब्लड डोनेट कर लो, तो ब्लड डोनेट कर देने से ऐसा नहीं होता कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, कि ये कम हो जाएगा, कि वो कम हो जाएगा। वो सब एक साइड माइनर रिएक्शंस होते हैं। ऑब्वियसली अगर 6 लीटर ब्लड आपके अंदर है, उसमें से आपने 300-400 ml या एक आधा लीटर डोनेट कर दिया, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो जाएगा ना, जो ऑलरेडी जिस ब्लड में डोनेट किया उसमें भी तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल, थोड़ा शुगर, थोड़ा ये, इसलिए आपको ब्लड डोनेशन के बाद तुरंत जूस पिलाया जाता है, कुछ दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है उल्टा सीधा कि भाई कुछ ये हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक अबाउट ब्लड डोनेशन विच यू शुड नो, राइट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एज यूजुअल प्लीज आस्क एंड लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू आंसर। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, whatever you can do, keep supporting.